हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं फिर से एक बार आपको ले जा रहा हूं हसीन वादियों की तरफ, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कुछ समय के बाद। हमारी जो ये वीडियो है, ये है एक पर्वत पूजन पर, जो हमारे कुल देवता इष्ट इस महीने के रविवार को करते हैं। ये पूजन हर साल किया जाता है और मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ। मेरे साथ हैं मेरे गांव वाले बहुत सारे, जो कि वैसे थोड़ा पहले चल रहे हैं। बहुत ही सुहाना मौसम ये आप देख सकते हैं। ये जो घर है, ये मुकेश ठाणी, अपने मुकेश भाई। दोस्तों, इस टाइम हम हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट में, लगभग 9000 पहुंच चुके हैं। ये हसीन वादियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। ये हमारे साथी, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। हम थोड़ा रोड में आए थे, ये ऑफ राइड, और ये आपको दिखा रहा है ईडन गार्डन, खेल मैदान भी देखने को मिल रहा है आपको। और ये हम पहुंच गए हैं आखिरी घर यहाँ पर। ये मेरे साथ है हेलो डियर फ्रेंड्स पंकज और बहुत सारे हमारे 5 का ग्रुप है। अभी 11 वाला ग्रुप पहले चला गया है। और ये हम पहुंच गए हैं थांडी। इस टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये रोहल क्षेत्र का, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ के कुछ वरिष्ठ, ये है हमारे साहिल भाई फौजी है ये, और ये है लाचा उस्ताद ड्राइवर मेरा भाई, और ये है हमारे नवीन भाई जी। बोले नाथ ये हम पर्वतराज की ओर चले हुए हैं। वन डे ट्रिप टू पर्वतराज। इधर कोई रोड की सुविधा नहीं है। जल्द ही हम लास्ट करके पास पहुंच जाएंगे। यहाँ से काफी सुंदर नजारा दिखता है, पर्वतों का और पेड़ों का। ये हमारे मित्र, अभी तक हम आधा घंटा चल चुके हैं और 1 घंटा और चलना है, फिर हम पहुंच जाएंगे मंजिल पर। ये लास्ट घर दिख रहा है हमें, लास्ट घर का छत, कुत्ते भौंक रहे हैं। काफी खतरनाक रास्ता है रात को चलना और अकेले चलना, यहाँ पे काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ जंगली बालू का खतरा रहता है। अभी लगभग हमें 15 मिनट और चलना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको, ये वाक्सा खड़े, ये विशेषा ही है एक ही, मतलब ऐसा होता है खड़ा, ये कुछ नहीं होता साइड लिया हुआ है। मैं देखो वो बना रहा है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, और वो नदी स्टोर है चढ़ाई वाला रास्ता है बिल्कुल। आपको बता दूँ, हम हर साल
ये देखिए, जैसे कि मैं आपको ये फूल दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर। जैसे जैसे आप इस अप्रैल के और मई जून के माह में हमारे इन पर्वतों का भ्रमण करते हैं, तो बहुत सारे फूल आपको देखने मिलेंगे। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि गर्मियों का समय बिताने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम बस पहुँचने वाले हैं जगह पर, और बिल्कुल घने जंगल में इस टाइम आपको मेरे साथी नहीं दिख पा रहे होंगे। हम पहुँच ही गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अद्भुत नेचर। बहुत ही अद्भुत पेड़, ये मैं पहुंच गया हूँ। जैसे कि आवाज़ें आपको आ रही है, ये हमारे पड़ोसी गांव ठाणा के लोग यहाँ पर बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे हमारे पड़ोसी गांव के लोग और बहुत सारी लकड़ियाँ इन्होंने डाली है। ये धीर भाई है। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। महाराज जी, महाराज, महाराज जी, ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए। ये हमारे दादाजी सुमड़ी बना के बैठे हुए हैं, महाराज अच्छे। और ये हमारे मछियान भाई, राम राम, राम राम सबको। और यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, महाराज। ये है हमारे जतवानी के भाई साहब, ये हम पानी भर रहे हैं यहाँ पर। ये सेल्फ मेड नलका, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेड़ है और इस पेड़ के अंदर से ही ये पानी आ रहा है। देखिए रात को आई क्यों नहीं चलो। और इसका उद्गम स्थान वहाँ से है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर, पानी के लिए हमारे फुहारों के द्वारा बनाया जाता है, पानी पीने के लिए उचित व्यवस्था है। भाई पानी था इस बार, नहीं था कई बार पानी की बड़ी दिक्कत हुई। ये है हमारे के गांव के वरिष्ठ नागरिक, ये हमारे गुरु साहब पवासी देवता के, और ये है डैडी नान, ये हमारे शमशेर माम है। बहुत ही पुराने टाइम से ये पर्वत पूजन में हमारे पड़ोसी रहते हैं थाना की तरफ से। और ये बहुत ही घना जंगल, ये हम दिखा रहे हैं आपको रास्ता। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है हमारा हिमाला, ये बहुत ही सुंदर पेड़ देख सकते हैं आप, कितना लंबा है। कलरा भी बोल सकते हैं आप, जितना लंबा आप सोच भी नहीं सकते। लगभग ये गोशुकी देखा, ज्यादा सोच भी सकते हैं। या इसकी लंबाई देख तो क्या है, इसकी तो फोटो नहीं ले सकता टॉप की, इस पेड़ की 300 फुट ऊंचा पेड़। ये टॉप तो दिख ही नहीं रहा, टॉप तो दिखेगा इधर भी, इस दिया मथे पड़नो मथोर भी नहीं तो इधर पार रख दिशा चल पार ठीक। और इसकी तो कोई सीमा नहीं है, ये नहीं दिखता है। हां से जी, ये हम चल पड़े हैं घर को वापस। यहां पर एक बढ़िया सा अपना एक दिन का टूर, जो कि बहुत ही
अच्छा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि सायंकाल का समय बिल्कुल शांति है, कोई भी हवा नहीं लग रही है और हम जा रहे हैं घर। लगभग पौने घंटे का हमारे लिए सफर अभी रहेगा। ये सायंकाल का टाइम नहीं नहीं ये कि मन बढ़िया रहे।